देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश में ट्रैफिक एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार आए दिन कोई न कोई प्लान बनाती है। इसी कड़ी में ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने परिवहन प्रणाली में रोपवे प्रणाली को शामिल करने की तैयारी कर रहा है। ये जानकारी हमें नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने कही। दरअसल नगर विकास मंत्री मदन कौशिक विधानसभा कक्ष में उत्तराखंड रेल परियोजना और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की बैठक के बाद कही। मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि उत्तराखंड रेल परियोजना और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बीच रोपवे प्रणाली को विकसित करने हेतु MOU पर साइन हुआ है, जिसमें दोनों कंपनी मिलकर देहरादून में रोपवे प्रणाली की DPR तैयार करेंगी। इसके साथ ही मदन कौशिक ने बताया कि DPR तैयार करने के लिए DMRC को 43.30 लाख की पहली किश्त भी दी गई है, ताकि जल्द से जल्द रोपवे प्रणाली का DPR तैयार हो। इसके साथ ही हरिद्वार में PRT पॉड टैक्सी प्रणाली और ऋषिकेश से नेपाली फार्म होकर देहरादून हरिद्वार को जोड़ने के लिए LRT लाइट मेट्रो प्रणाली भी स्थापित की जाएगी। पहले हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि उत्तराखंड राज्य में जो मेट्रो को लेकर हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की थी, एक योजना शुरू की थी, उसमें पहले हमने पूरा मेट्रो का प्रोजेक्ट के लिए DPR बनाया था। उस DPR में देहरादून हरिद्वार, हरिद्वार ऋषिकेश, ऋषिकेश देहरादून, उसकी कॉस्ट भी लगभग 25,000 करोड़ बैठी थी। वो शहर को भी कवर ठीक से नहीं कर पा रहे थे और जितना पैसेंजर चाहिए वो नहीं मिल रहा था। तब हम लोगों ने दोबारा निर्णय लिया माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कि हम इसको अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग उसकी आवश्यकता अनुसार काम करें। जैसे हरिद्वार में हमने पोर्ट टैक्सी PRT हम लोग वहाँ प्लान कर रहे हैं। इसके लिए दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के साथ हमारा जो DPR बनाने का वो MOU हो चुका है। दूसरा, आज देहरादून शहर के लिए हम रोपवे, इसके लिए यूरोप में एक मेरी अध्यक्षता में एक दल गया था, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी हाउसिंग, MD मेट्रो, चीफ इंजीनियर और सेक्रेटरी, ये सब लोग थे। वहाँ हमने कई शहरों में घूमकर देखा कि ये वास्तव में जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रूप में कैसे काम होता है। देहरादून उसके लिए बहुत ही एक उपयुक्त इस रूप में हमने पाया। और आज देहरादून शहर के लिए जो रोपवे प्रणाली हम लागू करना चाहते हैं, उसके लिए दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के जो अधिकारी हैं वो और हमारे अधिकारियों के बीच में एक MOU साइन हुआ है। ये लगभग मान के चलें कि 2.5 करोड़ रुपये लगेंगे DPR तैयार होने में यहाँ के, जिसमें हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इनको दे दिया है, जिससे आज से ही काम शुरू हो जाए। फर्स्ट फेज में 25 किलोमीटर के लगभग वो रोपवे का प्लान हम लोग कर रहे हैं। और फिर हमारे पास जो तीसरा फेज है वो बचेगा हरिद्वार से नेपाली फार्म ऋषिकेश और नेपाली फार्म से देहरादून, इसको हम LRT जो लाइट मेट्रो जिसको बोलते हैं वो सिस्टम बचेगा, उसकी प्रक्रिया भी हमने शुरू कर दी है। और मैं समझता हूँ कि अगले कुछ महीनों में, 2 महीनों में 3 महीनों में वो भी धरातल पर हम ले आएंगे। इस प्रकार से तीनों सिस्टम, जो देहरादून शहर के लिए रोपवे, हरिद्वार शहर के लिए पोर्ट यानी PRT और देहरादून ऋषिकेश, ऋषिकेश हरिद्वार के लिए LRT, तीनों हम धरातल पर लाकर इसका काम शुरू करेंगे। आगे कुछ ही वर्षों के बाद देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश शहर जो मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में हमने एक पहले भी इनको जियो हो गया था। आपको बता दें कि रोपवे प्रणाली के दो रूट होंगे, पहला FRI से घंटाघर होकर रिस्पना और दूसरा ISBT से घंटाघर होकर कंडोली मधुबन होटल के पास तक पहुंचेगा। वहीं एक बार में एक ट्रॉली में 10 यात्रियों के सफर करने की क्षमता होगी। बता दें कि शहरी विकास मंत्री उत्पल कुमार ने पहले ही रोपवे सिस्टम शुरू करने के संकेत दिए और अब तक अनुबंध पर साइन हो गया, तो कहीं न कहीं इस बात पर मोहर भी लग गई है कि शहर में जल्द ही लोग रोपवे को आम सवारी की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। पंजाब केसरी TV के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।